वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास शुक्ला है और फिर से मैंने पुनः आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट की है। पिछले समय में काफी मैंने आपको मध्य प्रदेश पढ़ाया हुआ है, तो जैसा आप लोगों के कमेंट्स आए और जो डिमांड में था टॉपिक्स, अगर हम एमपीपीएससी की बात करें या फिर हम स्टेट लेवल के एग्जाम्स की बात करें, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का इतिहास जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मैंने जो डिमांड में है उसको ही उठाया हुआ है कि मध्य प्रदेश का इतिहास मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। तो अगर हम आपसे बात करें कि मध्य प्रदेश का इतिहास कितने चरणों में हम इसको विभक्त कर सकते हैं, तो यहां मैं आपको तीन चरणों में इसको, जैसा हमारा भारत का इतिहास है उसी तरीके से इसको भी मैं तीन चरणों में आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपको प्राचीन इतिहास मध्य प्रदेश का, इसके बाद में आपको मध्यकालीन और अंत में आपको जाकर के मैं यहाँ आधुनिक इतिहास पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। जैसा मैं पहले पढ़ाता था कि मैप अपना रहता था और उसके साथ में आपको यहाँ याद भी कराऊंगा और आखिरी में हम एक टेस्ट भी लगाने वाले हैं। तो चलिए हम जल्दी से अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलो एक सेकंड, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अगर हम देखें मध्य, पहली लाइन पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम, इस शब्द को भी पकड़ना कि सबसे प्राचीन जो गोंडवाना लैंड का भूभाग है, इसका गोंडवाना लैंड पेपर में एक से दो बार पूछा जा चुका है। वैसे ये प्रश्न भूगोल का है लेकिन यहां मैंने एक लाइन इसको ऐड किया हुआ है। क्लियर, चले आगे। चलो ये आदि मानव के विकास की यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई। तो सर ये विकास की यात्रा से क्या मतलब? तो अगर हम बात करें कि यहाँ मनुष्य ने करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पहले जो मानव जीवन हमारा पनपा था या हुआ था, वो नर्मदा नदी के दोनों ओर मनुष्य ने यहाँ जीवन जीना सीखा था। तो विकास की यात्रा, आदि मानव के विकास की यात्रा जो साल दर साल बदलती जाती है, तो मनुष्य के विकास की यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई है। आगे चले, प्रागैतिहासिक काल, ये लिखा हुआ है यहाँ प्रागैतिहासिक काल। तो सर ये प्रागैतिहासिक काल कौन सा होता है? तो वह काल जो इतिहास से पूर्व का भी समय है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्लियर, प्रागैतिहासिक काल मतलब जिसके साक्ष्य कहीं लिखे हुए नहीं प्राप्त हुए हैं, इनको खुदाई के उपरांत ही पुरातत्वों ने खोज निकाला है। ठीक है, चले आगे। तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल के कौन कौन से स्थान हैं, हम उनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए ये आपको लिखा हुआ है भीमबेटका, भीमबेटका जो कि रायसेन के अंतर्गत आता है, पचमढ़ी, नेमावर, घनेरा, मोजावड़ी, देहगांव, हांडिया, कबरा, आदमगढ़, कायथा, एरण, जटकरा, बोरखेड़ा, बोरखेड़ा या बरखेड़ा, क्लियर है, हांडिया, छनेरा, ये जो स्थान है ये प्रागैतिहासिक काल के अवशेष यहां से मध्य प्रदेश में प्राप्त हुए। क्लियर, आगे चलें। प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल को भी यहाँ दो भागों में बांटा हुआ है, एक है पाषाण काल, दूसरा है ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल वह काल जब मनुष्य ने क्या है कि पत्थर के औजार या पत्थर का प्रयोग सीख लिया था। दूसरा काल जो ताम्र पाषाण काल, जो कि हमारा तांबे और पत्थर का संयुक्त रूप से उपयोग करना यहाँ मानव ने सीख लिया था। क्लियर है, चले आगे। तो जिस प्रकार हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खोज भी किसी ने की है, उसी प्रकार यहाँ भी प्रश्न बन सकते हैं कि मध्य प्रदेश के इस स्थान की खोज किसने की। तो देखिए सर्वप्रथम हम यहाँ बात करें नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी की जो खोज की वो एसडी सांकलिया जी ने की। तो अब सर याद कराइए इसको, तो नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी के जो घाट है, नर्मदा नदी के जो किनारे के घाट है,
जैसे महेश्वर, यहाँ पर क्या है कि लोगों को उस नदी के प्रवाह से बचाने के लिए बहुत तेज प्रवाह है, तो यहाँ रेलिंग सांकर लगाई हुई है नर्मदा नदी के घाट पर। तो याद इसी तरीके से कर सकते हैं, नर्मदा घाटी की खोज जो की सांकलिया, सांकर से सांकलिया। क्लियर? चलिए याद हो गया होगा। सुपेकर, सुपेकर बंधु, ठीक है। आर बी जोशी, टेरा पीटरसन, ये इनकी अन्य सहयोगी थे। क्लियर? चले चलो। सोनघाटी, सोनघाटी की खोज की निसार अहमद, याद कैसे करेंगे, याद कराइए आप। सोनघाटी जो अगर हम बात करें सोन से सोना, तो निसार, अब जो एक प्रेमी और प्रेमिका, जब एक गाना था ना केदारनाथ का, जाने सार, ऐसा है ना एक गाना, उतना अच्छा नहीं गाता हूँ मैं, लेकिन गाना है निसार। तो निसार अहमद के द्वारा सोन घाटी की, अब सोना, सोने की रिंग, सोने का हार जिसके पास होगा उससे ही तो जाने सार होगा लोगों को। क्लियर? सोन घाटी, निसार अहमद, याद होगा, हो गया। चलो रीवा सतना, रीवा सतना जी आर शर्मा, रीवा सतना की जो खोज की या उन वहां पर पुरातत्व स्थलों की खोज की वो है जी आर शर्मा। चंबल घाटी बांकड़, विष्णु श्रीधर बांकड़। भीमबेटका की खोज विष्णु श्रीधर बांकड़ करके ही द्वारा की गई थी, कब? 1957। केवीसी एक बार पूछ चुका है, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। इसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई या कब की गई, तो 1957 विष्णु श्रीधर बांकड़कर जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उम्मीद है इस पेज से काफी सारे चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। चले आगे, चलो एक सेकंड देखिए। तो ये रहा आज का मैप आपके सामने, कि मैं मैप के हिसाब से आपको जगह याद करा दूंगा, और याद कराने की ट्रिक भी जहां यूज हो सकती है वहां मैंने इसमें प्रयोग की है। तो चले हम, चलिए सबसे पहले अगर हम पुरातत्व स्थल की बात करें, तो ये एरण आपको दिख रहा है सागर, सती प्रथा के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, परंतु हम प्राग्ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं, तो अभी हम देखते हैं एरण सागर। क्लियर है? अवशेष, कौन से अवशेष प्राप्त हुए, तो सोने के गोल टुकड़े, सोने के गोल गोल टुकड़े कहां से प्राप्त हुए, एरण। सर याद कराओ, तो देखो सोने के गोल टुकड़े जहां से प्राप्त होंगे वहां रण युद्ध तो होगा ही, तो एरण, रण, रण में युद्ध होगा ना जहां सोने के टुकड़े प्राप्त होंगे, याद हो गया। पेपर में आ जाएगा, देखिए कुछ यूनिक चीजें होती हैं, सोना यहीं से प्राप्त हुआ है, तो ये प्रश्न पेपर में आ सकता है कि सोने के गोल टुकड़े किस स्थान से प्राप्त हुए, हम बता देंगे कहां से, एरण सागर। क्लियर? मृदभांड, तो यहां से मृदभांड क्या है, मिट्टी के घड़े, पशु आकृतियां और कुल्हाड़ी, ये तीन चार चीजें कहां से प्राप्त हुई, एरण सागर। क्लियर? आगे चल, चलो भीमबेटका, भीमबेटका कहां है, राजस्थान। याद भी कराया था मैंने कि भीम लोग जो बैठते थे तो राय मशवरा करते थे यहाँ, राय से। क्लियर? चलो यहां से क्या प्राप्त हुआ है, शैल चित्र। खोज किसने की, मैंने बताया था विष्णु श्रीधर बांकड़कर के द्वारा, कमेंट करो किस संत। चले आगे, चलो फिर आपको दिख रहा है यहाँ आदमगढ़ और पचमढ़ी, उसके नीचे भीमबेटका की, आदमगढ़ और पचमढ़ी ये कहाँ है, होशंगाबाद जिले में। क्लियर? तो होशंगाबाद जिले में है, और पचमढ़ी में एक पनार पानी स्थान है, वहां क्या है, मामा भांजा शैलाश्रय, शैलाश्रय क्या होते हैं, वही गुफाएं। इन शैलाश्रय में कितने चित्र हैं, 29। अब देखिए ये प्रश्न भी अगर पेपर में आ जाए कि पचमढ़ी के अंतर्गत पनार पानी जो स्थान है उस उन शैलाश्रयों में कितने चित्र पाए गए, हम बता देंगे 29 चित्र, 29 जो चित्र है वहां पर। तो आदमगढ़ और पचमढ़ी जो पुरातत्व स्थल है वो कहां पर है, होशंगाबाद। क्लियर? चलो फिर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर आते हैं, तो ये दिख रहा है आपको अवरा मंदसौर के अंतर्गत जो आता है, तो अवरा में क्या क्या प्राप्त हुआ, लाल काले तथा सफेद रंग के चित्रित मृदभांड, मृदभांड वही मिट्टी के बर्तन लाल काले तथा सफेद रंग में रंगे हुए यहां पर प्राप्त हुए अवरा मंदसौर। क्लियर? चलो
पर उसके यहाँ नीचे दिख रहा है उज्जैन। उज्जैन बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों है मैं बताता हूँ। ये यहाँ पर तीन स्थान है, नागदा, कायथा और डांगवाला। ठीक है, अब कायथा जो स्थान है वो क्या है, प्रथम ताम्रपाषाण कालीन बस्ती। अगर पेपर में आ जाए कि मध्य प्रदेश की प्रथम ताम्रपाषाण कालीन बस्ती कौन सी थी, आंसर लगाएंगे कायथा, जो उज्जैन। क्लियर। अब यहाँ से अवशेष किस किस के प्राप्त हुए, तो छेनी, जो लोहे की छेनी होती है जिसमें हथौड़ा मारते हैं, वो लोहे की छेनी प्राप्त हुई है कहाँ से, तो वो हम बता देंगे कायथा से प्राप्त हुई है। चले हम चलो इसके साथ कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से, ताम्रपाषाण कालीन वस्तु थी कायथा, तो तांबे की यहाँ से कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई, मृदभांड वही मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए। चले हम चलो अब एक स्थान आपको दिख रहा है, नवदा टोली खरगोन। आपको यहाँ खैर पीछे दिख नहीं रहा होगा बट मैं बोल देता हूँ तो आप लिख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है नवदा टोली जो खरगोन जिले के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ, तो आप देखिए यहाँ से प्राप्त हुए हैं मिट्टी के घर, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। पेपर में आ जाए कि मिट्टी के घर किस स्थान से प्राप्त हुए, हम बता देंगे कि मिट्टी के घर जो प्राप्त हुए हैं वो नवदा टोली प्राप्त हुए। ठीक है, काले तथा लाल मृदभांड मिट्टी के बर्तन भी यहाँ से प्राप्त हुए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो है गेहूं, चना, मटर, मसूर, ये जो दालें या गेहूं है वो भी अगर पूछा जाए तो नवदा टोली खरगोन। क्लियर। चलो पत्थर, तांबे के औजार एवं सुनियोजित घर। अब जैसे वहां पर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में सुनियोजित घर प्राप्त हुए, ऐसे ही मध्य प्रदेश के नवदा टोली में जो खरगोन में स्थित है वहां से सुनियोजित नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये मैप के थ्रू आपको लोकेशन भी समझ में आई होगी कि ये जो स्थान है यहाँ पर है, ये स्थान यहाँ पर है, यहाँ से ये मिला, यहाँ से ये मिला। क्लियर। अगर आप ये मैप और ये नोट्स चाहते हैं तो MPGKY विकास सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, MPGK एक साथ स्पेस वाय स्पेस विकास स्पेस सर, आप इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, मेरा चैनल आपको मिल जाएगा, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें नोट्स के लिए। चलिए हम आगे अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट पेपर है उसको लगाते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग किस भू संगति का भूभाग है। अब मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग पूरब की ओर का, तो देखिए क्या ए दक्कन ट्रैप, क्या बी लश्कर का मैदान, क्या सी विंध्यांचल, या डी बुंदेलखंड। आपको आंसर लगाना है पूर्वी भाग, वो है विंध्यांचल, आंसर नंबर सी इसका सही आंसर। आगे चले प्रश्न नंबर दूसरा, भीम बैठका की खोज किसने की, जल्दी से कमेंट करो, क्या वो निसार अहमद थे, क्या वो सांकलिया जी थे, क्या वो बांकाकर थे, क्या सुपेकर थे। तो भीम बैठका 1957, विष्णु श्रीधर बांकाकर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीसरा, नर्मदा घाटी से संबंधित पुरातत्वज्ञ, नर्मदा घाटी की खोज किसने की, क्या बांकाकर ने की, क्या सांकलिया ने की, क्या निसार अहमद ने की, या जी आर शर्मा ने की। तो नर्मदा घाटों में नर्मदा के क्या है, सांकल लगी हुई है, तो सांकलिया। क्लियर। चले प्रश्न नंबर चौथा, वैदिक काल में मध्य प्रदेश का उल्लेख किस रूप में किया गया है, वैदिक काल की बात हो रही है, क्या ऑप्शन नंबर ए उत्तरी भाग, क्या बी दक्षिण, क्या सी रेवो, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। मध्य प्रदेश का जो उल्लेख हुआ है वो दक्षिण पथ और देवोत्तर नाम से हुआ। पांचवा प्रश्न, मध्य प्रदेश में सोने के गोल्ड टुकड़े कहां से प्राप्त हुए। ट्रिक को याद करो, सोने के गोल्ड टुकड़े, तो क्या नर्मदा टोली, क्या नर्मदा, क्या एरण, या भूसा के। तो ये एरण, एरण से प्राप्त हुए। ट्रिक क्या थी, सोने के गोल्ड टुकड़े, सोने के लिए क्या होता है रण, एरण, रण में युद्ध। प्रश्न नंबर, मध्य प्रदेश में सुनियोजित नगर कहां से प्राप्त हुए, जल्दी से कमेंट करो। मैंने बताया सुनियोजित नगर ए नवदा टोली, बी नर्मदा, सी एरण, या डी अवरा।
आंसर नंबर ए इज राइट आंसर, इसका जो सही आंसर है वो ए नवदा टोटी सुनियोजित नगर। अब प्रश्न नंबर 7, मध्य प्रदेश में 6 नई औजार कहां से प्राप्त हुआ, जल्दी से कमेंट करो। क्या वो स्थान कायता था, क्या वो एरण था, क्या वो अवरा था, क्या वो रायसेन। तो 6वीं जो प्राप्त हुई कायता उज्जैन से प्राप्त हुई। चले आगे, मध्य प्रदेश वो सॉरी मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न नंबर 8, मध्य प्रदेश में गेहूं चना मटर आदि प्राप्त हुए, तो गेहूं कहां से प्राप्त हुआ है। क्या ऑप्शन नंबर ए आदमगढ़, क्या ऑप्शन नंबर बी नौदा टोली, क्या ऑप्शन नंबर सी एरन है, क्या ऑप्शन नंबर डी अवरा। मध्य प्रदेश में गेहूं चना मटर, तो ये नवदा टोली खरगोन, ऑप्शन नंबर बी 8वीं का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर आप मेरा ये नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर विजिट करें और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसके साथ आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए प्रश्न नंबर 9, मध्य प्रदेश में मामा भांजा शैलाश्रय कहाँ पर है। मामा भांजा शैलाश्रय जल्दी से बताएं, क्या एरण में है, क्या अवरा में है, पचमढ़ी में है। ठीक है, फिर से एरण लग गया, कोई बात नहीं। तो इस 9वीं का जो सही आंसर है वो सी मामा भांजा शैलाश्रय है पचमढ़ी में। यहाँ 29 चित्र प्राप्त हुए हैं। क्लियर, चले आगे। चलो प्रश्न नंबर 10, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान मानव क्रीड़ा स्थली रहा है, क्या एरण है, क्या आदमगढ़ है, क्या अवरा है या मूसा के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश में मानव क्रीड़ा स्थली का जो स्थान है वो आदमगढ़, जो होशंगाबाद जिले में है, वहां पर स्थित है। क्लियर, तो चलिए अगर आप ये मेरी सीरीज चाहते हैं, ये मेरे प्रश्न चाहते हैं और इसके साथ मेरे नोट्स और वीडियो चाहते हैं, तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। जितना ज्यादा शेयर करेंगे मैं उतना ही आपको और अच्छा रिस्पॉन्स करूंगा। तो चलिए, बने रहिए अपने घरों में, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।